गाजर दिखाएं कितना बड़ा बड़ा हुआ है, दिखा ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है। तो गाइस मम्मी लोग क्यों गांव जा रही है मम्मी जानेंगे, अब मम्मी बताएंगी। मम्मी यही ड्रेस पहने थे, देखिए गुड मॉर्निंग, आप सभी को स्वागत है फिर से दीपक महेश्वरी ब्लॉग्स में। उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो देख सकते हैं गाइस सुबह हो चुका है, तो अभी क्या है कि इनको स्ट्रॉबेरी कहाँ गया स्ट्रॉबेरी तो पीछे तरफ गाइस अभी जा रहे हैं हम लोग, खाना भी नहीं खाई सुबह से। अभी केला पापा को मंगवा दिए थे कल आधा दर्जन केला, वो उसी को खाई, एक केला सुबह में खाई फिर अभी खाई, तो अभी अच्छा लग रहा है इनको। पीछे तरफ स्ट्रॉबेरी है तो जाते हैं मिर्चा लेके आते हैं, बैगन को फिर भरता करेंगे, उसके बाद फिर खाएंगे खाना। और ये क्या बोलते हैं, गाजर भी है पीछे, बहुत कुछ है। चलो जो जो नहीं देखे उन लोगों को दिखा देते हैं। चलो इधर देखिए कल्लू राजा भी नीचे उतर गया है, ऐसे ही नहाता है ना कल्लू, बिल्ली लोग ऐसे ही नहाता है क्या मिट्टी में ऐसे ऐसे होके। चलो तो देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं अपने बगान में, कितना दिन बाद आए ना, देखिए कितना कितना, ये देखिए ये गाजर है, गाजर हम लोग गाजर दिखाएं कितना बड़ा बड़ा हुआ है, देखो आप लोगों को दिखाते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, ये क्या है इतना छोटा, छोटा छोटा हुआ है, बाद में बड़ा बड़ा होगा, इसको ऐसी गाड़ दे। स्ट्रॉबेरी ये रहा स्ट्रॉबेरी का पौधा, देखो कैसे दिखता है, छोटा हुआ है अभी, पकल पकल को लेके गए थे तोड़ के, देखिए इधर छोटे छोटे ही अभी छोटा है। तो हम लोग इधर क्या लेने आए हैं, अभी हम लोग लेने आए हैं गाइस आपका मिर्चा, एक वो पकड़ है, एक वो पकड़ है, हम लोग अभी मिर्चा लेने आए हैं, तो मिर्चा देखते हैं कहाँ पे है। अभी एक ही तो बच्चा है बंदा को भी, ये बंदा दो, एक बार मोमो बनाने के लिए पूजा ले गई थी उसके बाद से खत्म। और ये है मिर्चा, ये नहीं मिर्चा नहीं है, नहीं इधर है मिर्चा, मिर्चा बोले पापा इधर, हम है और पापा है ना, जैसे कोई जैसे किसी को ना मिर्चा खाना पसंद होता है, खाना के साथ में खाता है, तो हमको बहुत पसंद। देखो कितने दुलार होता है, देखिए अरे जूठा कर दिया सब दूध को, कौन पिएगा अब, आलसी ये और ये एक ही है ना। अभी जाते हैं गाइस, हम जाते हैं और बैगन का भरता बनाते हैं, पापा और हम दोनों मिलकर के खाएंगे। देखिए क्या लेकर के आए हैं, जो कि ठीक हो गया, थोड़ा सा रेस्ट किए हैं तब ठीक हो गया। देखिए मम्मी क्या है, इसको आप लोग सुट्टी भी बोलते हैं, और मतलब इसको हर एक तरह से बुला सकते हैं, इसका नाम तीन चार है, हम लोग इसको जोकी बोलते हैं, कोई कोई सहजन बोलते हैं, कोई कोई सुट्टी भी बोलते हैं, कमेंट में बताइएगा क्या इसका, मुनगा बोलते हैं, मुनगा का पेड़ का है, तो इसका पत्ता, इसका जोकी, इसका फूल सारा चीज खाते हैं, और इसका लकड़ी को जोड़ते भी है हम लोग, इसका पेड़ का सारा चीज काम आता है हम लोग का। तो देखिए ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, इस बार ज्यादा नहीं हुआ इसीलिए, नहीं तो बहुत होता है, लेकिन इस बार ज्यादा पता है हुआ, इस बार एक बार इतना सारा हुआ था ना, हम इतना तोड़े थे सब, इस बार तो होबे नहीं किया है, इधर बड़ा वाला उधर नाली तरफ गिर थी का पेड़ था, उसमें हुआ था तो आधा तो नालिये ही में चल गया, नाली में ही चला गया बहुत सारा, अभी हम लोग जस्ट अभी लेके ऊपर आए हैं, और पीछे तरफ तो हुआ ही नहीं है, नहीं तो आप लोग को भी देते। तो गाइस मम्मी लोग क्यों गांव जा रही है मम्मी जानेंगी, अब मम्मी बताएंगी क्यों जा रही है मम्मी। हम वहाँ बजरंगबली का झंडा गाड़ने के लिए जा रहे हैं गांव, अपने घर में वहाँ पर बजरंगबली का झंडा गाड़ेंगे, कल झंडा है इसलिए हम जा रहे हैं, रामनवमी पूजा है ना, फिर परसों को आएगी। इसके बाद गाइस अभी हम लोग शाम में मंदिर भी जाएंगे, मम्मी लोग जाएगी, उसके बाद मंदिर में हम लोग को पूजा करना है, दिखाएंगे कौन सा मंदिर जाएंगे। अगर आप लोग झंडा गाड़ते हैं ना घर के बाहर, तो बजरंगबली ना रक्षा करते हैं, पता है कोई नेगेटिव जो शक्ति होता है ना, काला जादू सब करता है, वो सबको बिल्कुल भी आने नहीं देते हैं, दूर से ही भगा देते हैं, भागो भागो बोल के इसीलिए गाड़ना बहुत जरूरी है। एक चीज बताएं आप लोगों को, ये कपड़ा बहुत दिन का है, जब हमको शुरू मम्मी बुलाई थी अपने पास, जब हम मेरा शादी नहीं हुआ था उस टाइम बुलाई थी अपना गांव, उस टाइम ना मम्मी यही ड्रेस पहने थे, देखिए याद है अभी तक, फैंसी ड्रेस मम्मी को फैंसी ड्रेस सब बहुत पसंद है, फैंसी चूड़ी, फैंसी ड्रेस सब, फैंसी कान का, गला का, नाक का, सब चीज फैंसी 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 मंगा दिया है, दीपक मंगा दिया है, हम मीशो से मंगा दिए हैं,
ऑर्डर कर दिए, पूरा साइज एकदम फिट एकदम। मम्मी को जितना चाहिए ना उतना, मम्मी को ना पैर, ये पैर नहीं दिखना चाहिए नीचे, बस वो पैर नहीं दिखना चाहिए, पैर दिख गया तो गड़बड़ हो गया पूरा। उस मम्मी का ऐसा पसंद है ना कि पूरा आपका कपड़ा ना जमीन को झाड़ू, वही अच्छा लगता भी है ना माँ हमको, हम क्योंकि गाउन होना ही चाहिए। गाउन का मतलब क्या है, गाउन का मतलब थोड़ा सा झाड़ू होना चाहिए। कोई कोई ये देखिए यहाँ तक पहन लेता है, बहुत गंदा दिखता है। अब आपका सबका अपना पसंद, देखिए हमको साफ कर देंगे, जितना बड़ा होता है ना उतना अच्छा लगता है। हम सोच रहे हैं ना कि हम भी अब ब्लॉगिंग करें, एक मेरा भी चैनल रहेगा जिसमें आप लोग हम ही को बस देखेंगे, और ये फोन से टूटा फूटा फोन से, और हम नहीं रहेंगे उसमें, कभी कभी रहेंगे है ना। हम सोच रहे हैं कि हम भी एक ब्लॉगिंग चैनल शुरू करें, और आप लोग पूरा फुल सपोर्ट कीजिएगा, जैसे दीपक महेश्वरी ब्लॉग शुरू किए वैसे मेरा को भी कीजिएगा। हम सोच रहे हैं कुछ नाम रखेंगे और खोलेंगे हम भी, और हम खुद से वीडियो डालेंगे। सो गाइस अभी 4 बज चुका है और मम्मी लोग चली गई घर, जैसा कि आप लोग को बताएं अभी रामनवमी में वो लोग घर चली गई। वैसे तो हर साल रामनवमी में घर ही में रहती हैं, लेकिन इस बार क्या है कि घर चली गई, क्योंकि वहाँ घर पे जो हम लोग अपना घर है गांव में, वहाँ पे झंडा गाड़ा हुआ नहीं है, मतलब झंडा वंडा कुछ भी नहीं है। सो गाड़ना बहुत ज़रूरी है, और हम लोग को भी जाना था गाइस, मंदिर जाना था, लेकिन कुछ कारण से फिर इनका, फिर इनको भी अच्छा नहीं लगने लगा। आप ही लोग पूछ लीजिए इनको कैसा लग रहा है, देखिए शैडी शैडी कैसा लग रहा है। ठीक है, अभी कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, आप लोगों को पता है ना नहीं जा पाए, और देखिए ऐसे ही सोना ही इसको, क्योंकि का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, देखिए ऐसे ही सोए रखती है चुपचाप। चलो उठो, चलो आज क्या सब्जी बनेगा, आज खाने पीना बनेगी, आज हमको खाना बनाने बोल रही है, बना देंगे, हेल्प कर देंगे, हमको बनाने तो देगी नहीं। चलिए ठीक है गाइस, तो आज क्या करें बताइए, घर में प्रॉब्लम चल रहा है, सबका लाइफ में प्रॉब्लम चलता है, घर में प्रॉब्लम चलता है, समझिएगा आप लोग, और प्रे कीजिए कि सब ठीक हो जाए जल्दी। और क्या बताएं, आप लोग जान ही रहे हैं कि अब क्या करेंगे, अब ब्लॉग यहीं से एंड करेंगे, और घर में काम भी है, इनका भी देख सकते हैं कैसा हालत है, तो हमको भी हेल्प करना है अभी। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं से एंड करते हैं, ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और सपोर्ट बनाए रखिएगा इस, हम लोग अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे अच्छे से वीडियो बनाने का, अच्छा कंटेंट देने का। चलिए ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।